जी, मैं तो कुरुक्षेत्रा से बिलोंग करता हूँ और एग्रीकल्चर पंप बेचता हूँ। मैं सोच रहा हूँ भी काश्तकारों को, जमींदारों को कुछ GST में कुछ राहत दी जाए और उसकी प्रक्रिया को ना कुछ सरल बनाया जाए, और ऐसे ही इनकम टैक्स में भी मतलब प्रक्रिया को सरल बनाया जाए, ये उम्मीद करता हूँ। बाकी तो महंगाई अप डाउन मतलब बहुत परेशानी हो रही है। कभी मतलब मेटल बढ़ जाता है, कभी मेटल गिर जाता है, ऐसे ही चल रहा है बस। बाकी सरकार ज़्यादा समझदार है हमारे से, तो हमारी तो यही है उम्मीद बस भी GST सरल हो और काश्तकारों पे जो GST है, मान लो मोटर लाइन पे है, वो 18% है। और मैं उम्मीद करता हूँ अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वो उसमें जो GST है वो मतलब टैक्स फ्री किया जाए, जिससे कि किसानों को एक राहत मिले। आपका नाम? अनिल मित्तल बोल रहा हूँ जी। सर, हमें काफ़ी उम्मीद है अभी जो हमारा प्रेजेंट जो बजट आएगा, स्पेशली एजुकेशन, जैसे पीछे कोरोना काल में काफ़ी बच्चों को लॉस हुआ है, तो एजुकेशन में हमें काफ़ी मतलब हेल्प होनी चाहिए सर। और जो बेसिक नीड्स हैं हमारी, बेसिक लाइफ की है, जैसे खाना पीना है हमारा, लेडीज़ के लिए जैसे किचन का सामान है, वो सस्ता होना चाहिए सर। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है आजकल, जो मिडिल क्लास है उनके लिए अपने बच्चों को पढ़ाना और अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है सर। तो महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए सर सबसे ज़्यादा, तो बहुत मिडिल क्लास जो फैमिलीज़ हैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं, परेशान हैं सर इस चीज़ से। आपका नाम? सर गुरमीत कौर, मैं महाराजा अगर सिंह। हमें इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत सी उम्मीदें हैं, जिसमें सबसे बड़ी उम्मीद तो ये है कि इस बार जो टैक्स की रिबेट का सिस्टम है वो 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख किया जाना चाहिए, 2 या 2.5 लाख रुपए किया जाना चाहिए टैक्स सेविंग के लिए, जो ATC में होता है। सेकंड ये है कि जो टैक्स की स्लैब है वो 5 लाख तक टैक्स फ्री कर देनी चाहिए, उसको 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक कर देना चाहिए, ताकि 5 लाख तक टैक्स फ्री हो और उसके बाद 10% और 10 लाख से ऊपर 20% इस टाइप की कोई नीति आनी चाहिए, जिससे आम जन को बहुत फ़ायदा होगा। इस महंगाई को देखते हुए सभी लोग परेशान हैं, तो उससे यदि टैक्स में कोई रिबेट आती है और टैक्स सेविंग में कोई रिबेट आती है तो आम जन को, एक मीडियम परिवार के लोगों को उससे राहत मिलेगी। ये एक मैं चाहूँगा कि ऐसा कुछ होना चाहिए। आपका नाम? कपिल मित्तल, कुरुक्षेत्र। उम्मीद सरकार से यही है कि वो स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान दे, जितने भी दवाइयाँ वगैरह जो हैं मेडिकल लाइन में इतनी महंगी है कि आम आदमी का इलाज कराना बहुत ही मुश्किल है। आजकल हर घर में कैंसर से पीड़ित पेशेंट हैं, कैंसर की इलाज इतना महंगा है कि आम आदमी करा ही नहीं सकता उसको, या तो सरकार, जिसकी इनकम कम है सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है उसे, ठीक, उसको वहाँ पर 1,80,000 से कम की जिनकी है उनको सरकार मदद करती है, और जो मीडियम क्लास फैमिली है वो तो पिस के रह जाती है इसमें, ना इलाज करा पाती ना कुछ, जिसमें आम आदमी बहुत पीड़ित है। और सरकार को चाहिए कि बेरोजगारी पर भी ध्यान दे, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, ना तो बिजनेस आजकल है ना नौकरियां हैं, तो युवा जो है बेरोजगार इतने हैं कि एक नौकरी के लिए लाखों एप्लीकेशन आती हैं और उस पर भी कार्रवाई नहीं होती और लटकती रहती है वो भी जॉब। तो सरकार से यही उम्मीद है कि स्वास्थ्य के ऊपर और बेरोजगारी के ऊपर ध्यान दे और बजट में इस पर खास ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका नाम? योगेश गर्ग। सर, यही उम्मीद करना चाहेंगे कि इस बार जो बजट बने वो कहीं ना कहीं जो आम वर्ग के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं कुछ रियायतें मिलें जो महंगाई से जूझ रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है वो मिडिल क्लास लोगों को ही आती है, या जो घर में महिलाएं हैं उनके लिए जो उनका जो राशन है, जो उनकी जो महीने भर की जो भी ज़रूरतें हैं, कहीं ना कहीं उनके दाम बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और उनका जो पूरा बजट है वो पूरा का पूरा बजट जो है इस टाइम गड़बड़ा चुका है या हिल चुका है। चाहे वो आप सब्जी के दाम लगा लीजिए या खाने पीने की अन्य वस्तुएं हैं उनके दाम लगा लीजिए, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। चाहे हमारी रसोई की जो बेसिक नीड है, हम सिलेंडर की ही बात करते हैं, हम देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में ही उसके दाम जो है कहीं ना कहीं दोगुने हो चुके हैं, और ऐसे ही
अन्य जो ज़रूरतें हैं वो भी हमारी बढ़ती ही जा रही हैं और उनके दाम जो हैं उसी हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं। तो यही है कि जैसे हम जब से ये हमारा जो ये सरकार जो शुरू हुई है, अभी लास्ट ईयर जो हमारा चौथा, मेरे ख्याल से शायद चौथा बजट जो है हमारा निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया था, और पांचवा साल ये इस बार हमारा शुरू होने वाला है, लेकिन अभी तक हमें महंगाई से कोई भी राहत नहीं मिली है। तो यही चाहेंगे कि कम से कम मिडिल क्लास लोग जो हैं उनकी ज़रूरतों को देखते हुए चीज़ों के जो हमारी जो बेसिक ज़रूरतें हैं उनको जो है उनके अकॉर्डिंग जो है दाम जो है ऐसे किए जाए ताकि सभी वर्ग जो है वो खुश रहे। आपका नाम? सर मेरा नाम निशा कुमारी है, मैं महाराजा अग्रसेन सीनियर पब्लिक स्कूल की भी छात्र। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आने वाली 1 फरवरी को हमारा आम बजट प्रस्तुत होने जा रहा है, हम सरकार से इस बजट से ये उम्मीद करते हैं कि आमजन जो महंगाई एवं बेरोजगारी से प्रताड़ित है, सरकार बेरोजगारी और महंगाई को दूर करके आम आदमी को इस बजट में राहत देगी। मैं बस इतना ही आपको इस बारे में कहना चाहता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम जंग बहादुर सिंह। सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट के बारे में एक महिला होने के नाते मैं सबके बारे में सोचूंगी। शिक्षा और स्वास्थ्य पर अच्छा खर्च होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा पर खर्च नहीं होगा तो बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे, और स्वास्थ्य पर खर्च होना चाहिए। और रसोई का जो सामान है उसकी जो बढ़ रही महंगाई है उसके देखते हुए महंगाई कम हो, और जो किसान बैठे हैं उनके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। बाकी जो देश के नेता हैं उनको सबके बारे में सोचना होगा, क्योंकि तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। जब महंगाई कम होगी तभी आम लोगों के बारे में सोचना होगा। मैं चाहती हूँ कि जब हमारी सरकार बजट बनाए तो वह आम लोगों के बारे में, उन आम लोगों को देखते हुए बजट तैयार करे, ताकि उनको शिक्षा, स्वास्थ्य और रसोई का सामान अच्छी तरह से मिल सके।